रास्ता भी आपका है सर, बिजली भी आपकी है। ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं, हम आपका मान रखते हैं, पूरी पब्लिक एक साथ है, ये अकेले हैं सर। हाँ, हम अकेले हैं क्योंकि हमारी लैंड है। अरे आपने झगड़ो आपस में, आपस में झगड़ो हमारे साथ इतना कुछ हुआ था, तब लोग कहाँ पे थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आते ही बोला ना, बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें कोई बहस वाला और मुद्दा नहीं सर। हम आपकी बात मानते हैं, अगर आप बेकार तोड़ फोड़ करनी है, तोड़ फोड़ कर देनी है, वृक्ष जो है स्लो प्रोसेस से जो है ये काटे जा रहे हैं वृक्ष जो है। देखिए यहाँ पर इस वक्त एक तो रास्ते का इशू है जी, वो रिस्टोर करना है इनके चलने के लिए। दूसरा यहाँ पर बिजली की जैसे पावर सप्लाई है वो ठप पड़ी है जी, तारें हमारी गिरी हैं, पोल गिरे हैं जी। बिजली डिपार्टमेंट के AW साहब से भी बात हुई है जी, उसको रिस्टोर करना है जी। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी जो पेड़ रिमूवल वाला है वो DC साहब से भी ऑलरेडी बात हुई है हमारी जी। तो ये रिमूव होंगे, जो पब्लिक न्यूसेंस है, जो डेंजर है, लोगों के लिए खतरा है, वो रिमूव होंगे यहाँ से। कह रहे हैं कि स्लो प्रोसेस से जो काम चल रहा है उसको आपके सामने है, आपके सामने ना जो काम चल रहा है आपके सामने चल रहा है। तो बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं? बिल्कुल, उन्होंने असेस किया इसको, असेस किया उन्होंने। हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारी तो यहाँ पर आए, पर बिजली विभाग के हमें दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गायब है कुछ देर के लिए। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, उन्होंने असेसमेंट की होगी रिस्टोरेशन के लिए। पावर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर सप्लाई के लिए उन्होंने दोबारा से उसको असेस किया कि कैसे करनी है। लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी सही तरीके से नहीं बात मानी गई तो। देखिए कोई भी काम है उसको वक्त लगता है, कोशिश करेंगे जो लोगों की उम्मीद है उस टाइम में वक्त में हम कंप्लीट कर लें। तो मतलब जिस तरह से चल रहे हैं पेड़ों की कटाई हो रही है, जो जो गिरे हैं वही पेड़ उठाए जाएंगे, जो लगे हुए हैं उन्हें भी काटा जाएगा, जो लगेगा खतरा है वो रिमूव होंगे। आज की गल है, आज कैली इकट्ठे हुए सारे भैया, वो जड़े बूटे कल दे डिगे दे ही वो कटोए कर दे है, बट जड़े ओनर है ना वो बड़ा स्लो प्रोसेस च कराए कर दे है। वो कहंदे है कि अहीं टाइम जिन्ना टाइम लगे उन्ना कराना, हुण साडे इत्थे दरेड़ा आई दी है थले जमीन तो चोगे दे बूटे, राती तूफान आएगा, ये साडी गरंटी लैंदे कि साडे मकान ते बूटे नहीं डिगणगे या साडी जान नूं कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ते गरंटी लैंदे सानूं लिख के दिंदे आ, ठीक है तुसीं अपने प्रोसैस नाल चलदे रहो स्लो स्लो जिन्ना भी कराना, पर अगर ये गरंटी नहीं लैंदे, जे कल नूं साडे घर नुकसान हो गया, किसे जान दा नुकसान हो गया, ते कौन भरेगा? असीं रोड जाम करांगे फिर। नायब तहसीलदार ने आखिया कि कल दे कल पिछले कल आखिया कि मैं अपनी मशीन लैके आपू कटर लैके कटा रहे हां, ओ ते ओ कह रहे जड़े गिरे दे आ वो बढ़ाउणगे, पर जड़े खड़े ओ मतलब नहीं कटाउणगे बाद विच, पर बाद विच दा प्रोसेस नहीं है ना, ये सानू जान तो नुकसान है, जड़ा उखड़ी दी है, कौन इहदी गरंटी ले सकदा कि कल तूफान नहीं आ सकदा या रोड कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। वो आके कहते काउंटिंग करो, काउंटिंग नंबर ऑफिस के इस मसले के लिए। हां जी हां जी, तो DC साहब के आ रहे होते बच्चे पेपर चला रहे इसलिए, ना बच्चे पढ़ पा रहे, ना कुछ पानी का भी अरेंजमेंट नहीं हो, मतलब कि पानी भी कियां करिए, अं तक लकड़ा नहीं चुकन देने जिन तक जरा मसला हल नहीं हो, जिन तक सारे बूटे नहीं कटोगे, नहीं तो अं मुड़िए सड़क जाम करांगे जिन तक सारा मसला हल नहीं होता। अं तक तहसीलदार साहब कहते खड़े बूटे जो भी कटोगे, क्योंकि जमीन ने जी जड़ा पुट्टी दी है, तूफान का कोई वो नहीं है, फिर राती भी आई सकता सवेरे भी आई सकता, जे गरंटी सारी लेंदे आ तो ठीक है, जो नहीं तो अं थाने परचा देना इनके खिलाफ, मैं बाबर हूँ, वार्ड नंबर 2 नियर एग्रीकल्चर ऑफिस नगरी रोड। असी 3 साल से असी प्रोसैस कर रहे हैं कि सफेद कटाओ, सू घर नुकसान है, साढ़े घर खतरा है, किसी जान माल का मतलब खतरा है, लेकिन 3 साल तक कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि 2 साल पहले ऑर्डर भी किया तहसीलदार साहब ने, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होया। हूँ परसों जो रोड ब्लॉक किया वो कारण चलो इन्हें एक्शन शुरू किया, लेकिन ओनर है, ओनर अजे भी इस गल तो आया जो कि बूटे डिगे ने बस उही बढ़ाने, मैं खड़े बूटे नहीं बढ़ाने, जब कि सामने देखो कटे कटे बूटे ने और जड़ा दी उखड़िया ने, उसके बाद जब ओनर जो नहीं मना, इसलिए टाल मटोल करा देखेगा, बाद देखेगा प्रोसेस देखेंगे। ओनर कौन है? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र घर हाँ जी, ने भी इे जवाब दिया देने के मैं लगे जी जो होगा दिन बढ़ाए देखे। हाँ जी सर, जब ज्यादा है सर से बात हो गया, भूल जाओ।
अपने लेवल की बहस छोड़ दो आप, अभी बोल आप अपने लेवल की बहस छोड़ दो ना, आप क्यों बहस नहीं हो तो फिर बंदा आपकी परेशानी सबकी समझ रहा हूँ, आपकी भी समझ रहा हूँ उनकी भी समझ रहा हूँ सर, अभी लेकिन आप भूल जाओ इन चीज़ों को ना, आपस में बात नहीं करो आप। सर अभी मैम जड़ा निकल गई ना भैया, जड़ा निकल गई काम करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, जब तक ये बोलने नहीं जाए। ठीक है।